जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सबको भी मेरा जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपके सामने दो सत्संग लेकर आई हूँ। एक सत्संग भेजा है सोलन से आंटी ने और दूसरा सत्संग है चंडीगढ़ से। दोनों ही सत्संग बहुत ब्लेस्ड हैं और देखिए गुरुजी किस तरह से ब्लैक मैजिक का असर धीरे धीरे काटते हैं। आपको ये सत्संग पूरा सुन के अद्भुत लाभ मिलेगा और प्रश्नों के उत्तर भी कुछ ना कुछ अवश्य मिलेंगे, क्योंकि सत्संग में छिपे होते हैं हमारे कुछ प्रश्नों के जवाब जो कि हमें ज़रूर सुनने चाहिए। सत्संग में छुपी होती है पॉजिटिव एनर्जी, इसीलिए गुरुजी कहा करते थे कि सत्संग ज़रूर सुनने चाहिए। तो संगत जी, आप सत्संग को पूरा सुनने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। ना जाने आपके माध्यम से किसके पास गुरुजी की ये ब्लेसिंग पहुँचे और उसका कल्याण हो जाए, क्योंकि सत्संग में ही छिपा होता है गुरुजी का कल्याण करने का तरीका। गुरुजी कहते हैं, तेरा सदगुरु तेरे नाल कभी गलत नहीं होने देवेगा, क्योंकि ब्लैक मैजिक का इतना असर होता है हमारी लाइफ में कि हम बहुत जल्दी पल पल नेगेटिव होते रहते हैं। वरना नेगेटिव होने की कोई बात ना भी हो तब भी, लेकिन जब हमारे जीवन में ब्लैक मैजिक का असर होगा तो हम नेगेटिव होंगे ही होंगे। तो उस सब से हमें जो बचाव मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है, वो गुरुजी से ही मिलता है। गुरुजी कहते हैं, तेरा सदगुरु तेरे नाल गलत नहीं होने देवेगा। जद में सब करना है फिर फिक्र क्यों करता है, ज़्यादा दिमाग ना लगा ते मेरी रहमत देख, हुन तेरा वक्त बदल गया है, तेनू वो सब मिलना है जो तेरे लिए सही होवेगा, खुशियाँ ही खुशियाँ होनगियाँ, खुश रहे। संगत जी, हमेशा खुश रहिए और गुरु जी के ऊपर अपना संपूर्ण विश्वास भरोसा बनाए रखिए। गुरु जी आपका कल्याण करेंगे और गुरु जी की रहमतें बरसती रहेंगी। आप सत्संग सुनते रहिए और सत्संग सुनने के लिए और शेयर करने के लिए गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण किता चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और कमेंट में गुरुजी का शुक्राना भी अवश्य ही लिखिएगा। और सत्संग को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। सत्संग के एंड में आपके लिए एक ब्लेसिंग भरा बहुत प्यारा सा सत्संग भी है, जिससे गुरुजी आपको खूब 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 ब्लेस करेंगे, पूरी फैमिली को ब्लेस करेंगे और आपके जीवन से सारी नेगेटिविटी को निकाल फेंकेंगे। ब्लैक मैजिक का असर ख़त्म होगा धीरे 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 धीरे, क्योंकि हमारे प्रारब्ध भी जुड़े होते हैं तो हमें नहीं मालूम कि हमारी परेशानी का कारण क्या है। और ये जब हम सत्संग सुनते हैं तो वो धीरे 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 हमारे सारे काम बनने लगते हैं। विश्वास तो हमें गुरुजी पे ही करना होता है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं, तुहानू नहीं पता होता कि तुहाडा कल्याण कित्थे है, है ना। तो हमें सच में नहीं पता हमारा कल्याण कब कहाँ कैसे होना है, तो हमें इसीलिए से केवल गुरुजी पर विश्वास रखना है। तो शुक्राना है गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी आप सब के लिए ये संगत जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी। सुनिए आंटी का सत्संग, आंटी की जुबानी। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। आज मैं अपना और एक ठो शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरुजी महाराज की आज्ञा से। मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैंने गुरुजी का जर्नी, मेरे कैसे स्टार्ट हुआ गुरुजी के साथ अपना जर्नी, मैंने वो ऑलरेडी पहले सत्संग में मैंने शेयर किया था। तो मैं ऐसे ही सत्संग सुन रही थी एक दिन, तो वहाँ एक आंटी अपना सत्संग बोल रहे थे और उन्होंने सत्संग सुनाते सुनाते उन्होंने बोले कि मैं गुरुजी के साथ, मतलब जैसे छोटे बच्चे और पापा जैसे उनका बॉन्डिंग रहता है, जैसे मांगते हैं, हट करते हैं उनके साथ, जीत करते हैं कि मुझे ये चाहिए गुरुपा, वो चाहिए गुरुपा, तो वो आंटी इस टाइप का ही सत्संग बोल रहे थे। लेकिन मैंने बहुत सारे सत्संग सुना था, हालांकि मेरा बहुत टाइम तक नहीं, बहुत लंबा जर्नी नहीं है गुरुजी के साथ मेरी जानकारी के हिसाब से,
तो जितना दिन भी मेरा जर्नी हुआ है उसमें मैं ये जानने को मुझे मिला है कि गुरुजी को मांगो मत, उनको मानो। तो मैं इसे कभी कुछ मतलब इस टाइप का चीज़ नहीं मांगती थी। हाँ, अपने फैमिली को स्ट्रेंथ, उनको अपना आशीर्वाद और उनके साथ सदा अपना अपने को जोड़ के रखना, यही मैं हर टाइम मांगती हूँ, अभी भी मांगती हूँ गुरुपा से। तो हुआ यूँ, जब मैंने वो सत्संग में सुन रही थी, आई डोंट नो क्या हुआ मेरे मन को, मुझे ये लगा कि वो लोग तो संगत जी ऐसे कर रहे हैं तो मैं भी क्यों ना एक तो जीत करूँ, मैंने तो आज तक कुछ किया नहीं। तो मैंने गुरु जी को बोल दिया कि गुरु जी प्लीज आज ना आप मुझे तितली के रूप में दर्शन दो, प्लीज गुरु जी आपको मेरी कसम है। तो मैंने गुरु जी को यही बोल दिया और उसके बाद फिर मैं अपना काम करती रही। बालकनी में आई तो मेरा ध्यान तितली के ऊपर ही था कि कहाँ है गुरु जी दर्शन देंगे, ये देंगे नहीं देंगे, नहीं देंगे तो ऑब्वियसली मुझे बहुत दुख लगेगा क्योंकि मैंने कसम भी दिया है। वो सब सच हो ना हो, लेकिन गुरुपा के प्रति वो मेरा विश्वास था कि नहीं वो करते हैं वो करेंगे, अगर वो नहीं होगा तो ऑब्वियसली मुझे थोड़ा दुख तो लगता ही। इसे करते करते मैं बालकनी से सारा काम ख़त्म की, फिर मुझे मार्केट जाना था, मैं मार्केट गई। जब मैं मार्केट भी निकल रही थी तो मैंने घर से निकलते टाइम बहुत देखा लेकिन मुझे कहीं भी तितली नज़र नहीं आई। फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, शायद मार्केट जब जाऊंगी मार्केट में ही दिख जाए मुझे तितली। लेकिन संगत जी, मैं मार्केट से रिटर्न आ गई लेकिन मुझे तितली नहीं दिखाई दी। होते 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 पूरा शाम हो गई, फिर भी मुझे तितली नहीं दिखाई दी। तो मेरा मन तो दुखी हो गया था मन में के नहीं दिखाई दिया मुझे तितली, नहीं दिखाई दिया। तो क्या है ना संगत जी, हम ना 3-4 फ्रेंड हम एक्चुअली इवनिंग में इवनिंग वॉक करते हैं। तो उस दिन हम लोग के फ्रेंड के बीच में बात हुई और हम इवनिंग वॉक करने के लिए निकले। एक्चुअली ठंड के वजह से, हम हिमाचल में रहते हैं ना, तो ठंड के वजह से कभी कभी हम बीच में तो कुछ दिन बंद भी कर दिए थे तो कभी कभी फिर निकलते थे। तो उस दिन हम लोग का प्लान बना कि हम लोग चलने के लिए शाम को आएंगे नीचे पार्किंग में हम लोगों का। तो इसे मैं जा रही थी और मैं ऑब्वियसली दुखी थी कि मुझे अभी तो रात हो गई, तभी टाइम हो रहा था शाम के 7:30 बजे और पूरा अंधेरा हो गया था। तो मुझे ये मश्योर था कि अभी तो कोई तितली वगैरह नहीं दिखाई देने वाला है। तो मैं जस्ट पार्किंग से निकली थी और एक ब्लैक कलर की तितली गार्डन से उड़ 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 के आई और वो दीवार पे बैठ गई। और मैं तभी इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई जैसे मुझे बहुत बड़ा कुछ मिल गया। क्योंकि मन का एक तो होता है ना संगत जी, लगाव गुरु जी के प्रति जो लगाव था कि अपने आप को बहुत स्पेशल लगने लगा मुझे कि मैं भी गुरुपा के मतलब बेटी हूँ, मैं भी मेरे भी बात गुरु जी ये सुन रहे हैं। तो ये जो एक तो फीलिंग होता है, ये जब मैं सोच रही थी तो मुझे सच में विश्वास नहीं हो रही थी अपने आप पे कि थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, कि आप इतने मतलब मन की जो छोटे छोटे खुशियाँ होते हैं उसको भी आप इतना मतलब प्रायोरिटी देते हो हम सबके लिए, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपका, बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही सदा अपना ब्लेसिंग हम लोग के ऊपर बनाए रखना, सारे सत्संग के ऊपर, संगत के ऊपर बनाए रखना। और एक क्या हुआ संगत जी, आज के ये आज का ही मतलब कहानी है। सुबह में जब आई थिंक 9:30 या 10 बजे, अभी क्या हो रहा है हिमाचल में बारिश हो रहे हैं, 2 दिन हो गया, तो बारिश के वजह से बालकनी में पूरा पानी जम गया था। तो मैं पानी साफ कर रही थी एक्चुअली बालकनी से। तो जैसे ही मैंने अपने जो मैंने पॉट रखा है
उधर से मैं नीचे कुछ गिरा था और पानी उसको मैं इसे झाड़ू से झाड़ू लगा रही थी, तो मैं जान नहीं पाई पहले कि ये पत्ता है या तितली। लेकिन संगत जी वहाँ पर एक ठो मीडियम साइज का ब्लैक एंड ऑरेंज कलर का तितली पड़ा था, जो कि बहुत मतलब वो उड़ नहीं पा रहा था, उठ नहीं पा रहा था, थोड़ा सा डैमेज वो था तितली। तो फिर मैंने देखा और मैंने बहुत उठाने की कोशिश की, मैं हाथ में नहीं पकड़ी थी, मुझे डर लग रहा था। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया, मैंने कहा प्लीज आप आओ और ये तितली को उठा के ना ये पौधे के कोई पत्ते में आप इनको रख दो, सो देर की थोड़ा हवा लगे और वो थोड़ा एक्टिव हो जाए। आई डोंट नो, बहुत बारिश, कल रात भी बहुत बारिश हुआ था यहाँ पर, पानी बहुत या बारिश के वजह से वो थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हो गया है और वो उठ नहीं पा रहे हैं ना उड़ पा रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि आप प्लीज़ उनको एक पत्ते में रख दो, तो हस्बैंड ने वैसे ही रख दिए। फिर वो थोड़ा सा मतलब उनके पर को हिलाने लगे और 10 मिनट के बाद मैं आके देखी तो वो पहले से एक्टिव होके पत्ते से वो और एक तो पॉट में मतलब गए थे। तो मुझे लगा कि नहीं अब ये ठीक हो जाएंगे, क्योंकि पहले मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं कुछ हो ना जाए, क्योंकि मैं बहुत नॉट श्योर कि ये ठीक है, अच्छा है, नहीं है। लेकिन एक दो तो मैंने सत्संग सुना था कि ऐसा होना थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है। और आज सुबह मुझे मैसेज आया था, फर्स्ट मैसेज जो मुझे शो हुआ था कि बेटा तेरा बहुत बड़ा रोग मैंने टाल दिया, ऐसे मतलब वो लंबा था लेकिन ऐसे पंजाबी में कुछ लिखा था। तो मेन उसका मतलब जो मुझे मैसेज था यही था कि बहुत बड़ा रोग गुरुजी ने टाल दिए हैं। तो फिर मुझे वो तितली मेरा दिमाग में कुछ टाइम तक रहे और मैं ये बात सोचती रही शायद ये मैसेज और इसका कुछ कनेक्ट है आई थिंक। और फिर जब मैं 3 बजे सत्संग सुन रही थी तो वहाँ पर भी कबूतर के इस टाइप के हाल में किसी कोई संगत के बालकनी में वो भी आए थे ये, तो वो मुझे पता चला कि गुरुजी इस टाइप का करके मतलब हम लोग का जो भी कुछ रहता है प्रॉब्लम आने वाली होती है वो अपने ऊपर ले लेते हैं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, आप मुझे तो ब्लेस कर दिए, मेरा तो संकट टाल दिए, लेकिन मैं ये भी चाहूँगी आप भी अच्छे रहो, आप भी खुश रहो, आप भी स्वस्थ रहो। आप बहुत जन संगत के प्रॉब्लम को अपने ऊपर ले लेते हो, हम लोग का ये बहुत विषय कि आप सदा खुश रहो, हेल्दी रहो, क्योंकि आपके भरोसे ही हम हैं। इसीलिए आपको मतलब अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है, आपको स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हाँ, आप अपना ये ब्लेसिंग हमारे ऊपर सदा बनाए रखना। मैं एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में भी बहुत बिलीव करती हूँ, लेकिन पता नहीं प्रॉब्लम कुछ है, लेकिन फिर भी जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ मैंने सब कुछ उनके ऊपर ही छोड़ दिया है कि नहीं अभी अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तब भी गुरुजी हैं, और गुरुजी हैं तो प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती है, ये दोनों चीज़ मेरे मन में आते हैं। या फिर अगर प्रॉब्लम होगा देन गुरुजी ही कोई मैसेज देंगे जो कि बोलेंगे कि पुत्र तुम ऐसे करो वैसे करो। अभी मैं अपने आप को, अपने फैमिली को पूरा गुरुजी के चरण में ही समर्पित कर दी हूँ। अभी अच्छा होगा तो भी गुरुजी का, अभी बुरा होगा तो भी गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। मेरा नाम रजनी है, मैं चंडीगढ़ से हूँ और ये मेरा गुरुजी के लिए शुक्राना सत्संग है। सत्संग में हम गुरुजी के जो आशीर्वाद जो रहमतें होती हैं वो बताते हैं, तो इसमें मैं गुरुजी के आशीर्वाद बताना चाहूँगी। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जैसे हमारी गुरुजी परीक्षा ले रहे हैं,
और उन्होंने बताया कि हर सेकंड हर पल आपकी परीक्षा चली हुई है, और अभी सबर की परीक्षा चली हुई थी तो आज उनका मैसेज आया कि तुम पास हो गए। तो गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना पास करने के लिए, और साथ में गुरु पिताजी सेहत ब्लेस कर रहे हैं, लाइफ उन्होंने ब्लेस कर दी, लाइफ के बाद अब सेहत ब्लेस कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे शरीर की एक एक बीमारी को दूर कर दूंगा, जिसके लिए वो जल प्रसाद जो है बनाने के लिए कहते हैं कि जल प्रसाद का नियमित इस्तेमाल करो। और बीमारियों में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, जैसे माइग्रेन या पेट की बहुत सारी बीमारियां थी, और मुझे जो डिप्रेशन की दवाएं खाती थी उनकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अब पहले नींद नहीं आती थी टेंशन से, अब नींद बहुत ज़्यादा आती है, और पहले कोई भी चीज़ होती थी तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती थी, अब इतनी टेंशन नहीं होती। और इसके अलावा गुरु पिताजी ने और भी शरीर की, जैसे लीवर से रिलेटेड, रंग से रिलेटेड, दिल से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां जो वो सही कर रही हैं, और बहुत सारी सही कर दी है। इसके लिए गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सेकंड शुक्राना। और इसके अलावा जैसे अभी मैं किसी भी सत्संग में नहीं जा पाती हूँ, और ना ही गुरु जी के मंदिर जा पाई हूँ, तो गुरु पिताजी जब महसूस करते हैं कि हमें लंगर प्रसाद की ज़रूरत है, चाहे वो चाय प्रसाद है, चाहे वो खाना है, तो गुरु पिताजी सपने में ही चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद करवा देते हैं। तो इसके लिए गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और इसके अलावा गुरु जी छोटी छोटी चीज़ों में भी हमें ब्लेसिंग देते हैं, जैसे मैंने चप्पलें खरीदी तो उन पे बटरफ्लाई बनी हुई है दोनों पे, एक एक जो गुरुजी ने गुरुजी बटरफ्लाई से ब्लेस्ड करते हैं। तो इसके लिए गुरु पिता जी आपका बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और अगला बताना चाहूँगी कि 3 साल पहले मैं चढ़दी कला टाइम टीवी पर बंगला साहिब की गुरुवाणी लाइव देखती थी सवेरे, और मुझे बहुत अच्छा लगता था सुनना। मगर अब हमारे घर में वाईफाई कनेक्शन लगाया है, तो मेरे हस्बैंड ऑनलाइन ही मूवीज़ और कार्यक्रम वगैरह देखते रहते हैं, तो ये नहीं लगते हैं ऐसे चैनल PTC पंजाबी और चढ़दी कला जो वो नहीं लगाते हैं। तो मैं बहुत महसूस करती थी और उन्हें कहती भी थी, पर फिर मैंने सर्च भी किया पर मुझे पूरी तरह चैनल के नाम याद नहीं थे। तो आज क्या हुआ, जैसे मुझे मैसेज आ रहे थे, गुरु पिताजी बोल रहे थे कि गुरुवाणी सुना कर, तो एक रिंकू वीर जी का चैनल था, गुरुग्राम सेवा ग्रुप प्लेलिस्ट, वो भी पहले मैं 1 घंटा सुनती थी, मगर अब उसका नाम भूल गया था। मगर गुरु पिताजी ने आज ये दोनों जो हैं वो दोनों की वीडियो चैनल जो हैं वो शो कर दिए, और इसके लिए गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद मैंने बंगला साहब गुरुवाणी सुनी और मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरु पिताजी हमारी हर बात को सुनते हैं और हमें पूरा गाइड करते हैं। इसके लिए गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और कल मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी, तो रात को रोते रोते सोई, तो रात को क्या हुआ कि गुरु पिताजी बहुत टाइम से गुरु पिताजी ने अपने दर्शन नहीं दिए थे, और मुझे वो मैसेज आते थे कि मेरे दर्शन मेरी मर्जी के बगैर कोई नहीं कर सकता, मगर फिर भी वो सपने में दर्शन देते थे, मगर अलग अलग रूपों में जो मैं पहचान नहीं पाती थी। कल उन्होंने साक्षात दर्शन दिए, मुझे ऐसे लगा जैसे वो सड़क के बीच में खड़े हैं, जैसे एक सोल होती है, एक दिव्य सोल होती है, वैसे वो खड़े हैं और मैं गाड़ी के अंदर बैठी हूँ, मेरे साथ कुछ लोग हैं, और गाड़ी उनके बीच में से क्रॉस कर जाती है, और आगे भी वही खड़ी है, वहाँ से भी क्रॉस कर जाती है। फिर मैं बोल रही हूँ, फिर कुछ लीडर, पॉलिटिकल लीडर दिखे, और वो लीडर बोल रहे हैं कि ये तो सच में महापुरुष हैं, भगवान हैं, और हम तो इन पे ऐसे शक करते थे। तो ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले नहीं मानते थे और अब मानने लगे हैं गुरु पिताजी को। तो मैं बोलती हूँ कि ये मेरे गुरु पिताजी हैं और यही भगवान है। उसके बाद गुरु पिताजी की गाड़ी खड़ी थी, उसमें वो बैठे थे वाइट ड्रेस में, फिर मैंने उनके चरण छुए और उन्होंने मुझे कहा मेरी बड़ी बेटी,
और उसके बाद सपना जो है वो समाप्त हुआ। तो इस तरह गुरु पिताजी ने मुझे मेरी बड़ी बेटी कह के ब्लेस्ड किया। इतने दिनों बाद उन्होंने दर्शन दिए, इसके लिए गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। गुरु पिताजी हर तरीके से टेस्ट करते हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, हर चीज मोह में पड़े हो तो मोह के लिए भी वो मुंह में पढ़ने देते, लालच की भी वो चेकिंग करते हैं कि लालच तो नहीं कर रही। एक दिन मेरे पास पैसे नहीं थे, या पैसे होते हैं तो एकदम से ख़त्म हो जाते हैं, पता नहीं लगता कैसे ख़त्म हो गए। और तो क्या हो कि मैं पोस्ट ऑफिस गई थी और मेरे पास पैसे नहीं थे इतने, तो एक और ने क्या किया, मैं फॉर्म भर रही थी और मेरे सामने नोटों की गड़ियाँ रख दी 3-4। और आप सोचिए, जिस आदमी के पास पैसे ना हो, अगर वो इतने सारे पैसे देखेगा तो उसके मन में लालच आएगा कि नहीं। तो गुरु पिता जिस तरह से टेस्ट करते हैं, उन्होंने रखवा दिए वो पैसे, उसने तड़ाक करते रखे और मेरे मन में पहले था कि मेरे पास पैसे नहीं है और कम पैसे हैं, मगर मेरे मन में फिर भी उन पैसों को देके लालच नहीं आया, जबकि लालच आना चाहिए पर लालच आया नहीं। लालच मैं शुरू से ही नहीं करती हूँ, पर फिर भी इंसान के दिमाग में आ ही जाता है कि देखो जी कितने सारे नोट हैं और हमारे पास पैसे नहीं है। तो इस तरह गुरु पिता जी अपनी टेस्टिंग करते हैं। और रही मोह की बात, तो मोह भी, मोह मतलब प्यार तक तो ठीक है, वो कहते हैं कि सबसे प्रेम करो, मगर प्रेम से आगे जब हम बढ़ जाते हैं, जो मेरे साथ हुआ, जैसे मैं अपने बच्चे से प्यार से ज़्यादा बढ़कर मोह करती थी। मैं बोलती थी कि अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं पागल हो जाऊंगी या मर जाऊंगी। तो उन्होंने धीरे 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 करके कुछ ऐसा किया कि बच्चे के थ्रू ही बच्चे कुछ ऐसी हरकतें करता है कि मुझे रियलाइज़ करवाया कि कोई भी अपना नहीं होता और किसी के लिए भी अपनी जान नहीं देनी है, ये सब कर्मों का बंधन है। अपनी जिम्मेवारियां निभाओ, अपना कर्म करो और प्यार करो, मोह मत करो। कौन कितने टाइम के लिए संसार में आया है, किसका कितना लेना देना है, वो ईश्वर पर छोड़ दो। और ये जन्म तुम्हें नाम जपने के लिए मिला है, 84 लाख योनियों के बाद जीवन मिलता है, और उसे नाम जप करके सफल बनाओ और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो। क्योंकि महात्मा बुद्ध ने भी कहा था कि ये संसार दुखों का घर है, और सच में संसार दुखों का घर ही है। तो अगर आप इन जन्म मरण के चक्रों से छुटकारा चाहते हो तो नाम जप करो, और गुरु पिताजी आपको मिले हैं तो ये तो आपका बहुत ही बड़ा सौभाग्य है। तो यही गुरु पिताजी बताते हैं कि तुम्हें गुरु सस्ते में मिल गया है, इसीलिए तुम कदर नहीं करते, बट ऐसा नहीं है गुरु पिताजी, हम धन्य हो गए हैं आपको पाके और गुरु बनके हमारे जीवन में आने के लिए, और गुरु पिताजी ने मुझे नाम दान दिया है। तो गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और गुरु पिताजी किसी भी तरह परीक्षा ले लेते हैं, वो कहते हैं कि गुरु की महिमा को तुम नहीं जान सकते। तो पीछे क्या था कि मुझे कार की ऐड आती थी, बार बार कार की ऐड आती थी, बीच में कार की ऐड आती थी, तो गुरु पिताजी ऐसे संकेत देते थे कि मैं तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूँ। फिर क्या हुआ कि पीछे कुछ दिनों में जैसे मैं बिल्कुल अकेली रह गई, सारे रिलेशन जो हैं वो दूर हो गए और मैं बहुत नर्वस फील करने लगी। अमृत वेला भी मेरे से ढंग से नहीं हुआ, एक तरह से छूट गया, सत्संग भी इग्नोर होने लगे और मैं नेगेटिविटी में जा रही थी। गुरु पिताजी बोल रहे थे कि मैं तेरे परिवार को देख रहा हूँ और सब ठीक कर दूंगा, मगर हम इंसान हैं, एकदम से अकेले हो जाएं, ना कोई फ्रेंड रहे, ना माँ बाप, ना बच्चा, हस्बैंड जो है उससे ज़्यादा बात करो तो वो भी लड़ाई, वो भी समझे ना, तो इंसान जो इमोशनल हो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है इमोशनली। तो उसी तरह मैं भी डिप्रेशन में चली गई, दवाई खा के सोती रहती थी। तो एक दिन गुरु पिताजी ने मुझे सवेरे अमृत वेला में दिखाया कि अखबार पे कार बनी हुई है और वो फाड़ रहे हैं, और मैं अचानक उठ गई, मतलब वो मुझे दिखा रहे हैं कि तुझे अमृत वेला बख्शो हुआ है मगर तू कर नहीं रही है, बेकदरी कर रही है, तो ले। फिर क्या हुआ कि आज मुझे याद आई कि वो ऐड तो आ ही नहीं रही, तो मैं बहुत रोने लगी गुरु पिताजी के आगे कि आप बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं लेते हो और बहुत वीक कर देते हो, और जब इंसान हम, आप भगवान हो, हम इंसान हैं, हम एकदम से इस तरह से अकेले हो जाएंगे तो सह नहीं पाते हैं, और मुझे तो पहले भी मैंने डिप्रेशन की दवाई खाई है, तो इससे तो अच्छा ये है कि आप इस जीवन को ही ले लो, मतलब कुछ समय तो चाहिए होता है इंसान को
इतनी बड़ी परिस्थितियों को झेलते हुए, मगर गुरु पिता जी एक टेस्ट लेते हैं, साथ में दूसरा ले लेते हैं, साथ में तीसरा ले लेते हैं, और पता भी नहीं लगता टेस्ट पे टेस्ट ही चला होता है। फिर जब मैं रोने लगी तो मैसेज आया कि तेरी परीक्षा चल रही थी, तू पास हो गया। अब देखो इसमें भी परीक्षा थी। अब बोलते तो हैं मैं बहुत खुश होती थी कि भगवान गुरु के रूप में मिले हैं, मगर अब पता लग रहा है कि भगवान जब गुरु होते हैं तो किसी भी साइड से बचना आपका मुश्किल है। मन तन धन कोई भी अगर आप में बुराई है तो गुरु पिता जी उसे एकदम से पकड़ लेते हैं और वहाँ पे ही हमें अलर्ट कर देते हैं, या अगर गलत चले हो तो सबक सिखा देते हैं। यही तो परीक्षा है, तो परीक्षा लेने के लिए भी गुरु पिता जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और सपने मैंने देखा कि जो मेरे ना पहले वाले ससुराल थे, वहाँ मुझे अपने ससुर का कमरा दिखा और उसमें बटरफ्लाई, छोटी छोटी वाइट बटरफ्लाई दिखी, और वहाँ पे कुछ लेडीज़ दिख रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जो फादर इन लॉ थे वो अब वहाँ नहीं है। और दूसरे कमरे में मुझे अपने मायके का एक कोई रिलेटिव दिखा जो मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करता है, और गुरु पिता जी ने उसे पहले कई बार दिखाया भी था। फिर क्या हुआ कि जैसे कल मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी, तो पहली बार मैं जैसे बोलते हैं ना बाहर जाते हैं तो बोलते हैं गुरु पिता जी चलिए हमारे साथ चलिए, तो मैंने नहीं बोला। मैंने बोला गुरु पिता जी आपने किसी रिलेटिव को साथ में नहीं छोड़ा, आज मेरा मन बहुत उदास है, आज नहीं मैं आपको बोलूँगी, और चलेगी मैं बाहर और उदास ही रही। और रात को मुझे कॉल आई मायके से ही कि लड़ाई हुई है और उस रिलेटिव को मतलब उसकी पिटाई हुई है ठीक ठाक, और उसका सिर सुर काफ़ी लगी हुई है उसे। तो जो सपने में गुरु पिता जी ने दिखाया था वो यूट्यूब से देख देख के ब्लैक मैजिक करता रहता है, मैंने उसे वार्न भी किया था पर वो समझ के भी नहीं समझा। ऐसे उल्टे सीधे काम हमें नहीं करने चाहिए, और मुझे तो पता भी नहीं, गुरु पिता जी कहते हैं कि तुम्हारे काम रुके हुए हैं, बंधे हुए हैं। जैसे मैंने पीछे इतना सा मतलब इतना सारा नहीं अमृत वेला फिर भी किया 12 से 6 बजे तक, तो फिर भी रुकावटें कोई डाल रहा था और वो वही था। तो गुरु पिता जी मुझे तो यही लगा कि अपने बच्चों को इतना दुखी नहीं देख सकते, वो बताते रहते थे, और जब वो नहीं माना तो पीछे भी उसे सजा मिली थी और अभी भी उसे सजा मिली। अब गुरु पिता जी से यही अरदास है कि उसकी बुद्धि को बदलें और उसे सद्बुद्धि दें, और मेरी तरफ से किसी को कोई तकलीफ ना हो। गुरु पिता जी यही बस आपसे अरदास है। और इसके अलावा मैं बताना चाहूँगी कि सपने मुझे बहुत सारे हेलीकॉप्टर दिखे। शुरू में गुरु पिता जी ने मुझे हाथ पकड़ के हेलीकॉप्टर में बिठाया था, ब्लेस किया था, तो सपने में ऐसे देखा जैसे आसमान में बहुत सारे हेलीकॉप्टर हैं, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं और मैं और बहुत सारे लोग देख रहे हैं ऊपर की तरफ कितने सारे हेलीकॉप्टर हैं। तो इस तरह भी गुरु जी ब्लेस करते हैं, तो उसके लिए गुरु पिता जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और इसके अलावा पक्षियों के बहुत सारे डार दिखते हैं, बहुत सारे पक्षी दिखते हैं, और इस तरह भी गुरु पिता जी हमें ब्लेस करते हैं अलग अलग तरीक़ों से, चाहे वो सत्संग में वॉलपेपर लगा हो पीछे आ रहा हो, चाहे वो रियलिटी में आसमान में उड़ रहे पंछी हो, चाहे टीवी में, चाहे किसी भी तरीके से गुरु पिता जी ब्लेस करते हैं। और मुझे ऐसा एक सपना हुआ जिसमें मैंने देखा कि मैं ना जैसे अपने खेत में लेटी हूँ और ऊपर तरफ देख रही हूँ, गुरु पिता जी को याद कर रही हूँ, और बहुत सारे ना छोटे छोटे फूल जो हैं बहुत रंग बिरंगे जो हैं वो मैं बोल रही हूँ बाबा 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 ऐसे ऐसे बोल रही हूँ, पुकार रही हूँ, और वो मेरी तरफ आ रहे हैं बहुत सारे चमकते हुए। फिर उसके अलावा मुझे आसमान में बहुत सारे स्टार्स दिख रहे हैं। तो गुरु पिता जी इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और जैसे हमसे कोई गलती होती है, कहीं पर कमी होती है, तो गुरु पिता जी सपने में बताते हैं। तो शुरू में जो टाइल्स थी मेरे रसोई में रखी हुई, वहाँ पे शिवलिंग बने थे, तो उनको मैं वो थोड़े मतलब वो भी गुरु पिता जी ने ब्लेस किए हुए हैं, तो वो थोड़े गंदे रह गए थे, तो गुरु पिता जी ने सपने में दिखाया कि मैं शिवलिंग पे जल चढ़ा रही हूँ, टाइल के ऊपर शिवलिंग रखा है उस पर जल चढ़ा रही हूँ। तो इस तरह गुरु पिता जी ने मुझे दिखाया कि
ये भी ब्लेसिंग है, इसे साफ रखा कर। तो इसके लिए गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और मेरे ऊपर जैसे कर्म कट रहे हैं, तो बहुत बड़ा संकट था जो गुरु पिताजी ने कहा कि मैंने अपने ऊपर ले लिया है। तो गुरु पिताजी इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और आज इतने दिनों के बाद अमृत वेला, 12 बजे का मैंने कोई अलार्म नहीं भरा, 12 बजे से अलार्म बज रहा है, उसके बाद मैंने 2 बजे का अलार्म भरा और 3 बजे का, तो 2 बजे तक लगातार 8 अलार्म बज गए। और 12 बजे से गुरु पिताजी लगातार जगा रहे हैं कि अमृत वेला कर, अमृत वेला कर, और अलार्म बजा बजा के वो जगाते हैं। तो इसके लिए गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और गुरु पिताजी का सत्संग में मैसेज आता है कि शिवरात्रि पर तुम्हारे घर आऊँगा और तुम्हारे कष्ट काटूंगा, तो इसके लिए भी गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु पिताजी आजकल मेरी एक समस्या चल रही है, तो गुरु पिताजी ने कहा कि तुम मंत्र जाप किया कर, तेरी समस्या कब दूर हो जाएगी तुझे पता भी नहीं लगेगा। तो इस तरह गुरु पिताजी हमारी समस्याओं का हल भी हमें बताते हैं। तो इसके लिए गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और गुरु पिताजी जो हैं वो हमें कहते हैं कि नेगेटिव मत हो, पॉजिटिव रहो हर सिचुएशन में। और यहाँ पे जो मैंने बताया कि जो ब्लैक मैजिक करता है उसके साथ ये हुआ, तो यहाँ पे मैं मुझे किसी को हर्ट करना है इसका कोई मतलब नहीं है, पर ये है कि जब कोई उसे पहले भी संकेत दिया गया था मगर वो समझा नहीं। अब गुरु पिताजी जो हैं वो अपने तरीके से अपना काम करते हैं, वो पहले बताते हैं कि जो भी तुम्हारे साथ बुरा करता है उसको बख्शा नहीं जाएगा, मगर तुम किसी के बारे में बुरा मत सोचो, तुम अच्छा सोचो और आगे बढ़ते जाओ। और गुरु पिताजी से यही अरदास है कि जो भी हमारे साथ बुरा करते हैं उनकी उनकी जो कुबुद्धि है उसको, उनको बुद्धि बख्शें, और वो भी भगवान की तरफ अपनी लड़ लगाएं, ऐसे कामों से दूर हटें। और जो सत्संग आते हैं बहुत सारे ब्लैक मैजिक ही आते हैं, दुनिया बहुत दुखी है ब्लैक मैजिक से। तो जैसे गुरु पिताजी ने मुझे अपनी कृपा बरसा रखी है, महाकाल की सिद्धि दे रखी है जो सामाजिक कार्यों के लिए है, तो मैं बहुत अपसेट हो गई। और जैसे बागेश्वर धाम और दूसरे बागेश्वर धाम की वीडियो आती थी, महाकाल की वीडियो आती थी, दरबारों की वीडियो आती थी बड़े बड़े की, करौली सरकार की, तो मैंने उन सबको जो है नॉट इंटरेस्टेड कर दिया। तो भी गुरु पिताजी को बुरा लगा कि वो बोलते थे कि मैं तुझे हारने नहीं दूंगा, हारने नहीं दूंगा। और मैंने जब हटा दिया तो उन्हें बहुत दुख हुआ होगा, क्योंकि वो पिता हैं और वो भक्ति करवा रहे हैं, तो उन्होंने आगे बहुत कुछ सोच रखा है हमारे बारे में। तो गुरु पिताजी इसके लिए मुझे क्षमा करें, मुझे बस आपके चरणों में रहना है, अपने चरणों में रखिए। और जो भी आपने हमारे लिए सोचा है, आप हमारे पिता हो और आपसे ज़्यादा कोई नहीं सोच सकता, इसीलिए आप जो करोगे वो अच्छा करोगे, और आपको ही सब कुछ सौंपा हुआ है। और गुरु पिताजी बाकी सब का भी भला करें, सब संगतों को जो मेरी तरह दुखी हैं, ब्लैक मैजिक से पीड़ित हैं, उन सब पे अपनी कृपा दृष्टि करें, सब बच्चियों पर, उन बच्चियों पर कृपा करें, सबके दुखों को दूर करें। और आप अपना भी ख्याल रखें, आपको सब बहुत सारा प्यार करें, यही आपकी बच्ची की अरदास है। और निस्वार्थ प्रेम आपसे सब करें जैसे आप हम सबसे करते हो। और गुरु कृपा करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और इतने दिन जो लेजीनेस रही उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी, चरणों में गिरकर माफ़ी, पिताजी नाकरेगढ़ के माफ़ी। और अब सत्संग करते हुए मेरे से कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करिएगा गुरु पिताजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। और अभी आपने सुना कैसे बटरफ्लाई रूप में गुरु जी ने संगत जी को दर्शन दिए। और अब एक शुक्राना सत्संग जो चंडीगढ़ से आया है, अब आप वो भी सुनिए आंटी की जुबानी। जय गुरु जी।
जय गुरु जी। संगत जी, ये ब्लेसिंग है आप सारी संगत के लिए। आप सब इसे ध्यान से सुनेगा और सबके साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो अंकल कहते हैं उन्होंने एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन करने के लिए पहले अपना ध्यान पंखे आदि की ध्वनि पर केंद्रित करना शुरू किया। आंखें बंद करो और ध्यान से सुनो, यही प्रैक्टिस करते रहो। शब्द सुनते समय ताल तबला आदि वाद्य यंत्रों की ध्वनि पर भी ध्यान लगाओ ताकि हमारी आत्मा शब्द से जुड़ सके। अंत में कल्याण तो गुरुजी ने ही करना है, हमें गुरुजी की ब्लेसिंग एक प्लेट में मिल जाती है। गुरुजी ने हमारे लिए सब कुछ बहुत आसान कर दिया है, सत्संग के माध्यम से भी ब्लेसिंग मिल जाती है। एक बार गुरुजी ने अंकल से कहा था कि कलयुग में भगवान को पाना बहुत आसान है, यदि पति पत्नी का ध्यान रखे और पत्नी पति का तो स्वर्ग यही है। गुरुजी कहते हैं कि दिल्ली का पानी बहुत ख़राब है, यहाँ 80-90% लोगों के विवाहितर संबंध एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। दिल्ली कई बार बर्बाद हुई और कई बार आबाद हुई, कोई महापुरुष यहाँ रुक बस नहीं पाया। बड़े मंदिर में गुरुजी ने हमारे लिए चीज़ों को बहुत आसान कर दिया है। गुरुजी कहते थे यहाँ के शिवलिंग में उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति समाहित कर दी है, यदि कोई इसके आसपास से भी गुजरता है तो ब्लेस हो जाता है। 5 किलोमीटर की रेडियस में रहने वाले लोगों को कोई बीमारी नहीं होगी। यह बहुत पथरीली जमीन थी जिसके अंदर पानी नहीं था। गुरुजी ने एक खास पॉइंट पर बोरिंग करने को कहा जहां पानी मिल गया। गुरुजी ने यहां शिव नगरी स्थापित कर दी। यहां आना अपने में एक संपूर्ण तीर्थ यात्रा है। पहले इस तरफ आने में लोगों को कष्ट होता था, दूरी भी बहुत थी और भाषा हिंदी अंग्रेजी की भी समस्या थी। गुरुजी हमेशा कहते थे जब मेरे पास आओ अपना दिमाग मत इस्तेमाल करो, लेकिन हम लोग जो हमेशा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, गुरुजी ने हम लोग तो हमेशा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। गुरुजी ने अंकल से बड़े मंदिर के आसपास ही जमीन लेकर घर बनाने को कहा था, लेकिन अंकल ने सोचा यह जगह बहुत दूर है, बाकी लोगों से मिलना जुलना नहीं हो पाएगा, इसलिए नहीं खरीदी। अंकल कहते हैं अब यहाँ ज़मीन की कीमत 100 गुना हो गई है। एक बार गुरुजी ने अंकल के भाई से पूछा था कि क्या वे भगवान शिव के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने इस डर से मना कर दिया कि शायद फिर वो वापस ना आ पाए। गुरुजी हमेशा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से दूर रहते थे। यद्यपि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नई संगत को जुड़ने में मदद करती है और दूसरी संगत को कोविड के समय सत्संग के माध्यम से सत्संग करने और सुनने वालों को ब्लेस करने में मददगार है, हालांकि अंकल को यह कहते हुए दुख होता है कि इसके माध्यम से कई भ्रामक बातें भी प्रसारित की जा रही हैं। नवीनतम सत्संग यह है कि गुरु जी ने मोदी जी को पेन देकर ब्लेस किया था, यही पेन अभी तक प्रयोग किया जा रहा है। अंकल कहते हैं यह सत्य है कि मोदी जी जब गुजरात के CM थे तब 2002 में गुरु जी की ब्लेसिंग लेने आए थे और गुरु जी ने उन्हें ब्लेस भी किया था। गुरु जी बहुत सारी बातें चीज़ों का खुलासा नहीं करते थे, तभी पता चला कि UK के एक PM भी गुरु जी के पास आए थे। उन्होंने गुरु जी को एक सोने की घड़ी भेंट करी थी और उनसे प्रार्थना की थी कि इसे पहने। अब एक सत्संग प्रस्तुत है जिसे सुनाने को गुरु जी हमेशा अंकल को कहते थे। अंकल के घर के पास एक नया MTNL का एक्सचेंज खुला। अंकल को बताया गया कि उन्हें एक नया नंबर अलॉट किया गया है। इस नंबर के अंत में 3 0 थे। अंकल ने गुरुजी से यह नंबर नोट करने को कहा, लेकिन गुरुजी ने कोई सुंदर नंबर नोट कर लिया। जब अंकल ने गुरुजी का ध्यान इस तरफ दिलाया तो गुरुजी ने कहा यह तो अब रिकॉर्ड हो गया। बाद में MTNL ने अंकल को सूचना दी कि उन्हें अलॉट किया नंबर बदल दिया गया तथा जो नया नंबर मिला है वह वही था जो गुरुजी ने रिकॉर्ड किया था। कारण कर्ता जो करे सिर धर करे शुक्राना, भूल चूक की माफ़ी चाहता हूँ। सच में गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो ये था शुक्राना सत्संग और साथ में गुरुजी की ब्लेसिंग भरा सत्संग। तो संगत जी, आप इस सत्संग को पूरा सुन के साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। जय गुरुजी।